हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का जो पहला नियम है। इससे पहले हमने पढ़ा था विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि वो होती है हमारी, जैसे कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या फिर व्यंजन आ जाए तो जो हमारा विसर्ग में परिवर्तन या फिर विकार आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या फिर व्यंजन आ जाए तो जो हमारा विसर्ग में परिवर्तन या फिर विकार आएगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का पहला नियम। विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले यदि और विसर्ग के पहले यदि और बाद में भी विसर्ग के पहले यदि और बाद में भी अथवा वर्गों के तीसरे के तीसरे चौथे चौथे पांचवे वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है विसर्ग के पहले यदि और बाद में भी अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग का संधि हम अ से कराएं तो भी हमारा ओ हो जाएगा, जो हमारा रूप परिवर्तित होगा वो विसर्ग का ओ हो जाएगा। यदि विसर्ग का संधि हम वर्ग तीसरे चौथे जैसे ग घ ज झ ड ढ द ध ब और भ। यदि विसर्ग के बाद वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण जैसे ग घ और यहाँ एक और शब्द होगा अंग, यहाँ इया, यहाँ अड़, यहाँ न और यहाँ म, तो भी हमारा विसर्ग जो परिवर्तित होगा वो होगा ओ में। यदि विसर्ग का अ के साथ संधि कराएं तो जो परिवर्तित रूप होगा वो होगा विसर्ग का ओ। यदि हमने तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण को हमने विसर्ग के साथ संधि कराया तो जो विसर्ग का परिवर्तित रूप होगा वो होगा ओ में।
जैसे शब्द देखेंगे, मना मना धन अनु मना धन अनुकूल मनु अनुकूल, तो ये होगा हमारा मनो नुकूल, मनो नुकूल। अगला है अध गति, अध धन गति, तो ये जो शब्द होगा वो होगा हमारा अधो गति, अधो गति। अगला है मन मना बल, मन धन बल, तो ये हमारा होगा मनो बल। तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम। धन्यवाद।